हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर हम जो पीटेन डिस्प्ले खरीदते हैं या आपसे लेते हैं या कहीं और से लेते हैं या खुद का बनाते हैं, तो उस डिस्प्ले में पासवर्ड कैसे चेंज करें, यूजर नेम पासवर्ड कैसे चेंज करें, क्योंकि इसके साथ जो कंट्रोलर आते हैं वाईफाई वाले उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कंपनी के द्वारा जो पहले से पासवर्ड सेट किया हुआ था वो 8x8 होता है। तो कई सारे लोग जो है आसपास के जो भी जानते हैं उनको पासवर्ड पता होता है, तो लोग सोचते हैं कि हमारे डिस्प्ले के कंटेंट को कोई बदल ना दे, छेड़खानी ना करे। तो इससे बचने के लिए जो है हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप अपने डिस्प्ले के यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और जो है अपने कंटेंट को सिक्योर कर सकते हैं कि कोई भी बंदा आपके कंटेंट को चेंज ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए। ये जो है आपके सिंगल कलर डिस्प्ले के लिए भी एप्लीकेबल होगा और आपके जो बड़े वाले RGB डिस्प्ले के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और इसके लिए जो मेन क्राइटेरिया है कि आपके डिस्प्ले में हुडुई का कंट्रोलर लगाना। हुडुई एक कंपनी है जो कि एक कंट्रोलर बनाती है डिस्प्ले के लिए, सिंगल कलर के लिए W0 और मल्टी कलर के लिए WF1। इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इसमें पासवर्ड से रिलेटेड पासवर्ड और यूजर नेम सेट करने का सीखेंगे। तो मैं रवि गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे आपको लाइट से रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन मिलता है। और बाकी अगर आपको कुछ और चाहिए होता है तो आप नीचे कमेंट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब के स्टूडियो में मैं देखता हूँ कि 80% जो लोग हैं हमारे वो वीडियो तो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो ताकि हम और कंटिन्यूस कंटेंट लाते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डिस्प्ले के जो वाईफाई नेटवर्क है उससे मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो मैं मोबाइल में सबसे पहले क्या करता हूँ, मोबाइल डेटा बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए बंद है हमारा जो वाईफाई है, वाईफाई को ऑन कर लेंगे तो ये हमारा वाईफाई है। हमारे जो डिस्प्ले में कंट्रोलर लगा है वो WF1 सीरीज का है, तो हम यहाँ पे WF1 शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी पहले से कनेक्ट किया हुआ है, आपने भी अपने मोबाइल को अगर डिस्प्ले से पहले से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पहली बार डिस्प्ले लिया है तो आपको यहाँ 8x8 बाई डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो डालने होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करने हैं, आपको जो है ऐप खोलने होंगे जो कि आर्टनेट ऐप है। तो मैं अभी आपको खोल करके दिखाता हूँ, ये हमारा LED आर्ट ऐप है जिसमें कि यहाँ पे सब कुछ आ गया है हमारा ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, ये बीच वाला जो सेक्शन देख रहे हैं डिवाइस वाला, इस पे जाना है और यहाँ पे जो है वाईफाई का, आप देखिए ये वाईफाई का जो बना हुआ है ये, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये पासवर्ड के लिए पूछेगा एंटर योर पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड जो है 8x8 है, 3 बार आपको 8 प्रेस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका नेम और पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आ गया। तो मैं इसका नेम जो हूँ डाल देता हूँ रवि डिस्प्ले, ठीक है। पासवर्ड जो है यहाँ पे देखिए, अगर आप 1234 1234 अगर ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर शो करेगा। वाईफाई नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ, अच्छा ये वाईफाई नेम में भी इनका एक कंडीशन है कि आपको WF1 से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड अगर मैं 1234 डाला तो यहाँ पे लिख रहा है वाईफाई पासवर्ड इज मनली इन वनली कॉन्टेंट नंबर एंड लेटर। तो आपको नंबर और लेटर दोनों डालने होंगे पासवर्ड में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ KOSI1234, ठीक है, WF1 रवि KOSI1234। ये IP सेटिंग है, तो ये IP सेटिंग अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अपने आप होम नेटवर्क से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिस्प्ले को, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मल जो है बिना वाईफाई के, मतलब जो घर के नेटवर्क से उसे नहीं कनेक्ट करना है, डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्ट करके कैसे डिस्प्ले में नाम डालना है वो बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये WF1 ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया KOSI1234, ठीक है। सिर्फ इतना ही चेंज करने से आपको डिस्प्ले कनेक्ट नहीं होगा, आपको आगे जाके एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है, क्योंकि दोबारा जो आप नेटवर्क से कनेक्ट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए हमारा जो है डिस्प्ले जो है वाईफाई चेंज होकर रीसेट हो गया है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने मोबाइल वाईफाई को खोलने हैं और यहाँ पे जो नाम आएगा WF1 रवि, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमने जो यहाँ पर पासवर्ड सेट किया था
कोशी 1, 2, 3, 4 ठीक है। जैसे है यह हमारा दोबारा जब भी नाम आया उस पर क्लिक करके हमने पासवर्ड डाला, अगर आप जो है यूजर नेम चेंज नहीं करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कंपनी के थ्रू, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है सेव नेटवर्क में। जैसे आपका जो WF1 है तो ये वाला इसको फॉरगेट कर देना है, नहीं तो ये जो डिवाइस बार बार जो है उससे कनेक्ट करने का कोशिश करेगा, इसलिए जो है आप यूजर नेम भी चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कनेक्ट हो गया। अभी जो है हम कुछ टेक्स्ट में अल्टरेशन करके देखते हैं कि हमारा जो है नए वाले टेक्स्ट से काम हो रहा है, यानी नए वाले पासवर्ड से। तो अब जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करने हैं और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं थैंक यू और इसको सेंड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं थैंक यू ये हमारा आ गया है। तो होप्सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको ये डिस्प्ले बनाने हैं या रेडीमेड डिस्प्ले ख़रीदने हैं या कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए इस डिस्प्ले को बनाने के लिए, तो आप हमारे वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी है, हमारे तरफ से आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाता है कि अगर आपको डिस्प्ले बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।